चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं किसी बहन ने सवाल किया है पाकिस्तान से वो बता रही हैं कि उनके शोहर काम नहीं करते लेकिन वो काम करती हैं तो क्या शोहर पर जकात फ़र्ज है या बीवी पर जकात फ़र्ज है मेरी बहन जहा जकात उस पर फ़र्ज होती है जो काम करता है अगर आपके शोहर काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर ज़क़ात फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं ज़क़ात उस पर फ़र्ज़ होती है कि आप जितना काम कर रहे हैं उसमें से आपको ज़क़ात का हिस्सा निकालना है आप अगर अगर आपके शौहर हैं बच्चों की देखभाल कर रहे हैं वो घर के टेक कर रहे हैं उनको उनको जॉब नहीं मिल रही है तो एक आप समझिए कि एक औरत का फिर फ़र्ज़ बन जाता है वो घर को चलाएं अगर आदमी इस काबिल नहीं है या अगर आदमी इस काबिल है तो औरत का फ़र्ज है कि वो घर बैठ के बच्चों की देखभाल करें और घर को संभाले। फिर अगर शहर काम कर रहा है फिर उसको अपनी आमदनी में से ज़कात उस पर फर्ज हो जाती है लेकिन अगर औरत काम कर रही है तो जक़ात एक औरत पर फ़र्ज है कि वो अपनी जकवात का उसमें से हिस्सा निकाले क्योंकि ये हमारे जो पांच पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसमें से एक जकवात है जो हम पर फ़र्ज है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते ना उसको इग्नोर कर सकते हैं वी हैव टू तो पे आवर जकवात ऑन टाइम अगर हम सरद निसा पढ़ते हैं सोरा नंबर चार आयत नंबर थर्टी फोर में अल्लाह ताला फरमाते हैं और कव्वामून अल निसा अब इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि जो आदमी है वो औरत पर एक दर्जा रखता है अब दर्जे का मतलब नहीं है कि औरत के ऊपर चढ़ाई करे या कुछ ऐसा इसमें ऐसा इस बात की तरफ कुछ इशारा नहीं है इस बात की तरफ इशारा है कि औरत घर को संभाले घर के टेक केयर करे क्योंकि फिज़िकल डिफरेंस होने की वजह से एक शोहर पर फ़र्ज़ है कि वो काम करे वो तो अगर आदमी काम नहीं कर रहा है तो फिर एक औरत और जालो कमा फिर वो घर को चलाने वाली एक औरत है फिर एक औरत के ऊपर फ़र्ज बन जाता है को वो उस ज़क़ात का हिस्सा निकाले उसमें से